हेलो गाइस, मेरा नाम है सैदुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो सैदुल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएलसी अल्टीमा का मैं यहाँ पे आपको दिखला देता हूँ। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे और किसी को भी हम लोग रेफर करते हैं और रेफर करने के बाद जो बोनस मिल रहा है, जैसे कि पीएलसी यू में कोई भी बोनस आ रहा है तो वो बोनस विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा और यहाँ किस तरह से आएगा इसको मैं बतलाने वाला हूँ। और अगर हम लोग अपना मोबाइल पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मोबाइल में शो कर दे रहा हूं कि अगर यहाँ से हम लोग विड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, तो यह क्यों आ रहा है, कब से यह स्टार्ट होगा, क्या होगा, यह किस लिए, और सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा और आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से विड्रॉ करना है और कब से कब करना है और किस तरह से होगा। सारा कुछ मैं डिटेल से बात करूंगा। तो गाइस, उससे पहले हम लोग चलिए थोड़ा सा चलते हैं यहाँ टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूयॉर्क 2 ईयर बैन ऑन क्रिप्टो माइनिंग। तो गाइस, न्यूयॉर्क में क्रिप्टो मिंटिंग को, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी को मिंटिंग किया जा रहा था, बिटकॉइन को, उसको बैन कर दिया गया है 2 साल के लिए। क्यों बैन किया गया है? तो गाइस, 22 नवंबर को यह बैन किया गया, जो कि न्यूज में आपको आज दे रहा हूँ। एक्चुअली ये 22 नवंबर को हो चुका है, लेकिन न्यूज में आपको कुछ दिन बाद दे रहा हूँ। तो गाइस, यह बैन किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के गवर्नर कैथी होकुल ने कार्बन सोर्स से पैदा हुई बिजली का उपयोग करने की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर रोक लगाने के कानून का हस्ताक्षर किए। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी का जो माइनिंग हो रहा था, तो बिजली से वो माइनिंग होता था, तो उस पे वो लोग बैन लगा चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बिजली खपत होता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने में, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया है। तो गाइस, उसके जगह में आप वहां मिंटिंग, अगर वहां चलता तो मिंटिंग से आप वहां यूं अपना मोबाइल पे कर सकते थे। वहां पे कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है मिंटिंग में, जो कि अभी हम लोग मिंटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो गाइस, उसी को सारा कुछ यहाँ पूरे डिटेल से बतलाया है। उसके बाद मैं एक थोड़ा सा न्यूज और बतला देता हूँ, जो कि एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हैकर के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैशटैग क्रिप्टो न्यूज पीएलसी अल्टीमा गूगल क्रोम एक्सटेंशन। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक यह है कि एक्सपर्ट्स ने क्रोम एक्सटेंशन के जरिए क्रिप्टो करेंसी चोरी करने के लिए एक वायरस की खोज की है। तो गैस, एक वायरस है जिसको गूगल क्रोम ने उसको खोज किया है। उसका एक्सपर्ट जो है, जो क्रिप्टो करेंसी को चोरी करने के लिए एक वायरस छोड़ दिया गया है गूगल में, गूगल क्रोम में, तो उसी को वो लोग खोज किए हैं। और वो कहाँ है, कहाँ वो वायरस है, उसको मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ, जो कि यहाँ पे पूरा डिटेल से बतलाया गया, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखलाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए, विंडोज के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन के रूप में सामने आकर जानकारी और क्रिप्टो करेंसी को चुराया है। वायरस फैलने का मुख्य सोर्स पायरेंटेड सॉफ्टवेयर अडोब कोरल वीडियो स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आदि का टोरेंट फाइलें होती है। मतलब जो इसका जो करप्ट फाइल होता है, जिसको बिना पैड का यूज करना चाहते हैं, जो कि अपना विंडो में इंस्टॉल किए हैं, उस पे यह वायरस मिल रहा है। हैक किए गए प्रोग्राम वाली फाइल में एक दुर्भावनापूर्वक लिंक खुल के कोड की एक नियमित लाइन के रूप में परचयन करता है। एक्सपर्ट के अनुसार दुर्भावनापूर्वक एक्सटेंशन यूजर्स द्वारा देखे गए सभी पेजों तक पहुंच प्रदान करता है और लोकप्रिय एक्सचेंजों पर, जैसे एपीआई अनुरोधों से डेटा को फॉर्म करने का क्रिप्टो करेंसी एक्सटेंशन को खराब करने के लिए ब्राउजर में आदमी प्रकार के हमले करता है। क्लिक बोर्ड की सामग्री क्रेडेंशियल चुराता है और कई अन्य ऑपरेशन करता है। तो गाइस, यहाँ से यह क्रेडेंशियल को चुराता है और बहुत सारे उसको चुरा के वहाँ ऑपरेशन करता है। और आपको यहाँ थोड़ा सा बता, उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित देशों में, जैसे यूएस, भारत, इटली और ब्राजील का नाम लिया है। और वायरस के लक्षित प्लेटफॉर्म की लिस्ट में ब्लॉकचेन.com, बाइनेंस, कोइनबेस, गेट.io और KuCoin शामिल है। मतलब जो इसको हैकिंग करने के लिए जो वेबसाइट में लिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे blockchain.com, Binance, Coinbase, Get.io और KuCoin शामिल है। तो गाइस यह KuCoin वगैरह ये सबको टारगेट में लिया गया। इसी वेबसाइट सब में पूरा वायरस को छोड़ा गया, इन्हीं के द्वारा आप में आ सकता है, मतलब इन्हीं के रूप में छोड़ा गया। ऐसा नहीं कि Binance पे अगर आप लॉगिन करने जाओगे तो वहां छोड़ा, वैसा नहीं है। यहाँ मतलब कुछ उसका फेक बनाया है, उस पे आपको छोड़ा गया। दोस्तों सावधान और सतर्क रहे। आपकी डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा के लिए हम अनुरोध करते हैं कि इंटरनेट से बिना लाइसेंस वाले प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर का उपयोग या डाउनलोड ना करें। तो गाइस जिसका पास लाइसेंस नहीं है उस सॉफ्टवेयर का ना ही तो आप उपयोग कीजिए ना उसको कुछ कीजिए। तो गाइस यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग का जो मेन है कि यहाँ पे PLCU बोनस जो आ रहा है ये विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है और ये कब से विड्रॉ होगा। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अभी मोबाइल पे दिखलाया उसको भी मैं बतलाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग जैसा कि आते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उसके लिए भी ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ आपको टेलीग्राम में, जो कि मैं 2 दिन पहले ही यह अपडेट दे दिया था कि इस तरह का हो सकता है और अभी ये हो चुका है। तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे ले चलता हूँ, जैसे कि आपको वहां पे ले चल रहा हूँ। ये रहा PLC Ultima Important Message for the PLC Ultima Community। तो गैस हम ही लोग के लिए था ये कम्युनिटी। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डियर कम्युनिटी, PLC Ultima की टेक्निकल टीम को 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए PLCU कोइंस को भेजने के साथ साथ PLCU से निकासी और निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो गैस यहाँ पे मजबूर होना पड़ा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि डियर कम्युनिटी, यहाँ पे PLC Ultima टेक्निकल टीम ने 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए PLC Ultima कोइन को भेजने के साथ साथ PLCU से निकासी निलंबित करता है। मतलब जैसे कि अगर आप कहीं पे भी भेजेंगे, विड्रॉ वगैरह करेंगे तो उसको यह 5 से 7 दिन तक बंद कर सकता है। काहे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है उसको ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद ये 5 से 7 दिनों के बाद यह जिस तरह से पहले था उसी तरह से ये पहले तरह विड्रॉ वगैरह सारा कुछ एकदम होने लगेगा। उसके बाद आप 5 से 6 दिनों के बाद इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको 1 सप्ताह वेट करना होगा, उसके बाद ही आप PLC Ultima से आप विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। अभी आपका कोई चांस नहीं है विड्रॉ करने का। जैसे कि अभी आप Ultima वॉलेट से भी विड्रॉ नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे विड्रॉ करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मैक्स किया, मैक्स करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ, एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखता है ऑफ समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अ लेटर, मतलब कुछ देर में आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा था। इसी को यह अपडेट आ चुका था, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या तारीख को आया था यह अपडेट। हाँ, ये वेटनेसडे को ही यह अपडेट दे दिया गया था गाइस, जिसको हम लोग ध्यान नहीं दिए। मैंने बतलाया कि आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर उस वीडियो को ध्यान से देखे होते तो आपको अभी यह पता चल जाता कि PLC Ultima का बोनस और यहाँ से क्यों विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो गाइस यही कारण है, अभी 5 से 6 दिन ये विड्रॉ नहीं होगा, उसके बाद से ये विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। तो गाइस आप चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।